बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, मोहतरम असातिज़ा और वालदैन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका टीचर अब्दुल नबी अहमद। मैं लाता हूं बच्चों के लिए ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटीज़ ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लें मैथमेटिक्स में। तो देखते हैं आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स ग्रेड फोर। ग्रेड फोर में हम आज हैं यूनिट नंबर वन पे, विच इज़ होल नंबर एंड ऑपरेशंस। तो आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर सिक्स। तो लेसन नंबर सिक्स का आपको बताता चलूं कि आज का एसएलओ क्या है। आज का एसएलओ है ऐड नंबर्स अप टू फाइव डिजिट नंबर। फाइव डिजिट नंबर्स को हम ऐड कर सकेंगे विद एंड विदाउट कैरिंग, ठीक है। तो लेकिन इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने क्या ऐड किया यहाँ पे, लेसन प्लान, ताकि आप अगर आपको कोई भी स्टेप बीच में से मिस हो जाए तो आप इस लेसन प्लान को डाउनलोड करके, इसको रीड करके, इसको बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लेसन का आगाज करेंगे। रिफ्रेश योर नॉलेज में, लास्ट टाइम आपने क्या पढ़ा था, आपने फोर डिजिट नंबर्स को ऐड करना सीखा था। तो अभी जल्दी से अपने टीचर को ये इन फोर डिजिट नंबर्स को ऐड करके दिखाएं। टीचर जैसे ही आपको ये नंबर ऐड करके दिखाएं तो मुझे भी इंश्योर हो जाएगा, आपको भी इंश्योर हो जाएगा कि बच्चों को लास्ट ईयर वाला एसएलओ आता है, बच्चों को फोर डिजिट नंबर्स ऐड करना आते हैं। इस एसएलओ में हमने बच्चों को फाइव डिजिट नंबर्स की तरफ लेके जाना है। लेकिन अगर कुछ बच्चे वीक हों तो आप काइंडली उनकी हेल्प करें ताकि बच्चों को आज का एसएलओ समझने में आसानी हो। थैंक यू वेरी मच टीचर। तो वार्म अप में हम क्या करेंगे, बच्चों ने लास्ट टाइम फाइव डिजिट नंबर्स को कंपेयर करना सीखा था। तो यहाँ पे हमने फाइव डिजिट नंबर्स दिए हैं, बच्चे इनको कंपेयर करेंगे। ऊपर से तीन साइन गिवन है जिन साइंस को बच्चे अपनी मर्जी से टीचर्स को लगा के दिखाएंगे। तो टीचर आपने ये तमाम चीज़ें बच्चों को देनी है, बच्चे शीट पे आपको सॉल्व करके देंगे। जब बच्चे आपको सॉल्व करके दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चों को ये एसएलओ समझ आ गया है। तो अभी चलते हैं टुडेज लेसन की तरफ, टुडेज कॉन्सेप्ट की तरफ। तो हम देखेंगे एक नंबर, पहले तो हम इसको रीड करेंगे। यहां पे देखेंगे ये 12,739। अब हम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं 95,648। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वंस को याद रखें, जब भी एडिशन की जाती है तो सबसे पहले वंस को ऐड किया जाता है। तो वंस को ऐड करेंगे तो 9 + 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो 17 का आप क्या करेंगे, यहां पे आप 1 लगाएंगे। और याद रखें कि 17 में 7 वंस होते हैं और 1 10 होता है। तो 10 आपने इधर टेंस में दे देना है। तो 3 एंड 1 4, 4 एंड 4 क्या हो गया आपके पास 8। अब यहां पे देखेंगे 6 एंड 7 13, फिर 1 कैरी हो जाएगा, 1 को यहां पे कैरी लेके जाएंगे। देन 3 3 एंड 5 8 एंड 9 एंड 1 10। ये बच्चों इस तरह से आपने क्या करनी है, एडिशन करनी है। और यहां मैं देखता चलूं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जी, एक और क्वेश्चन है, ये आपने टीचर के सामने करना है, टीचर को करके दिखाना है। इसके अलावा टीचर जब देखें कि बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो इन्हें अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन दें ताकि आप इंश्योर कर सकें कि बच्चों को एडिशन मुकम्मल तौर पर समझ आ गई है। तो जल्दी से ये बच्चों को डिफरेंट क्वेश्चन दें और उसके बाद दोबारा इन्हें सर अहमद के साथ रिकनेक्ट करें। तो तब तक सर अहमद करेंगे इनका इंतजार। वाओ बच्चों, आपने तो बहुत अच्छा, ये आपने तीन नंबर्स भी ऐड करके दिखा दिए टीचर को। अभी आप क्या करेंगे, ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ये व्हील आपका टीचर आपके सामने रखेगी टेबल के ऊपर, उसको आप घुमाएंगे तो जो भी नंबर आएगा आप वो नंबर लिखेंगे, दूसरी तरफ घुमाएंगे जो नंबर आएगा, इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। जो टेबल सबसे पहले तीन नंबर्स को ऐड करके दिखा देगा वो ग्रुप क्या कहलाएगा, विनर कहलाएगा। तो इस एक्टिविटी को आप परफॉर्म करें और मुझे एक्सपेक्टेड है कि आप इस एक्टिविटी में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। आपका एक कंपटीशन है जिसका टीचर किससे चेक करेगी, स्टॉपवॉच से चेक करेगी। तो टीचर आप इस कंपटीशन को करवाएं और मुझे फिर आपने ये भी बताना है कि कौन कौन सा ग्रुप ने विन किया है। वेरी गुड बच्चों, इतनी एनर्जी। अब बारी आई इंडिविजुअल वर्क की। इंडिविजुअल वर्क में आपने क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 1.6 में ऐड द फॉलोइंग, ये जो नंबर्स हैं इनको ऐड करना है, 75,290, 13,509 and 54,785 and 23,204। इनको आपने ऐड करना है, एडिशन आपको समझ आ गई है। अब आपने सिर्फ टीचर को करके दिखाना है, तो करके दिखाएं इन तमाम नंबर्स को। अब
रैप अप में हम क्या करेंगे, रैप अप में हमारा आज का एसएलओ क्या था कि हमने 5 डिजिट नंबर्स को ऐड करना था। तो ये 4 क्वेश्चन हैं जो टीचर देंगी किसको, बच्चों को। तो टीचर ये बच्चों को दें और मुझे एक्सपेक्टेड है कि बच्चे आपको 3 to 5 मिनट्स में ये सॉल्व करके देंगे, क्योंकि बच्चों को एडिशन की समझ आ चुकी है, बच्चे एडिशन में बहुत फास्ट हो चुके हैं। तो आप इनसे जल्दी से करवाएं और जैसे ही बच्चे कर लें तो फिर हम इनको लेके चलेंगे होमवर्क की तरफ। बच्चों आज का होमवर्क में हम क्या करेंगे, होमवर्क में हम मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें 6 डिफरेंट नंबर्स दी गिवन है, 2 डिजिट 5 डिजिट नंबर्स, इनको हम आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिशन आपको आती है, घर जाते सबसे पहले आपने एडिशन करनी है, करके मम्मी पापा को दिखानी है, उन्हें बताना है कि मैथमेटिक्स अब मुझे आना शुरू हो गया, मुझे समझ आना शुरू हो गया हुआ है। इसके साथ ही आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्क में आपने एक शीट बनानी है, उसमें देखना है कि मीट की क्या प्राइस है पर केजी। तो आपने सपोज कर लिया 200 625, सीरियल आपने देखा अब ये है 715, ड्रिंक्स आपने देखा कि ये 345। इस तरह आपने लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट को आपने क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि आप एक्टिविटीज़ को बहुत लाइक करते हैं और उसको बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। इसलिए हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या देते हैं, लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एक्स्ट्रा एक्टिविटी का हमें बड़ा इंतज़ार रहता है कि आप इसको फिलअप करके टीचर को दिखाते हैं और टीचर हमें व्हाट्सएप पे भेजती हैं कि देखें हमारे 35 बच्चों ने ये, तमाम की तमाम बच्चों ने ये एक्टिविटी की है। और थैंक यू वेरी मच आप जो इतना हमें फॉलो करते हैं। और एक बात याद रखें कि इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमें रेगुलरली सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन, आपकी लाइकिंग हमें इस काबिल करती है कि हम बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। तो आई होप कि आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा। टिल नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज़।